हाय, मैं हूँ सरिता। आज हम प्रेशर से जुड़ी कुछ एक्टिविटीज करेंगे और बोटल्स और कैंस को बिना छुए पिचका देंगे। कैंडी क्रश तो बहुत खेल लिया, आज कैन क्रश खेलते हैं। शुरुआत हम इस प्लास्टिक की बोतल से करते हैं। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो पूरा पानी बाहर आ जाता है। ज्यादा मजा नहीं आया। अब बोतल के ढक्कन पर एक छेद करके इस बोतल पर लगा देते हैं और फिर से बोतल को पानी से भरकर उल्टा करके देखते हैं। छेद खुला होने के बाद भी पानी बाहर नहीं आया। ये टूथपिक डालकर भी हम देख सकते हैं कि छेद खुला है और टूथपिक बड़े आराम से अंदर चली जा रही है। पानी बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि जब छेद छोटा है तो सरफेस टेंशन पानी को बाहर नहीं आने देता। सरफेस टेंशन को हम पानी के सरफेस पे एक झिल्ली के जैसे सोच सकते हैं। इसी के कारण मच्छर पानी के ऊपर बैठ पाता है। अब हम इसी बोतल में ये पाइप जोड़ देते हैं। कनेक्शन को एयर टाइट बनाने के लिए ढक्कन की जगह हम ये रबर के स्टॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोतल से कनेक्ट करने से पहले इस पाइप को हम पानी से भर देंगे। अब जैसे ही हम पाइप के दूसरे सिरे को नीचे डालेंगे, बोतल से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और बोतल धीरे धीरे पिचकने लगती है। पाइप लगाने से बोतल के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। अगर पाइप के खुले एंड पे प्रेशर पी नॉट है तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। अगर एच हाइट ऊपर गए तो प्रेशर पी नॉट माइनस रो जी एच रह जाएगा। तो जितना लंबा पाइप अटैच करेंगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। तो बोतल के अंदर का प्रेशर कम हो गया लेकिन बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, इसलिए बोतल पर बाहर से नेट फोर्स लगता है जो बोतल को पिचका देता है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हुए भी बोतल ऐसे पिचक जाती है। पिचकने से बचाने के लिए बोतल के ऊपर सुई से एक छेद कर देते हैं ताकि वहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहे और बोतल ना पिचके। पाइप कनेक्ट करने से प्रेशर कितना कम हुआ ये हम इस प्रेशर गेज से भी देख सकते हैं। गेज पर नंबर्स ये दिखा रहे हैं कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, मतलब प्रेशर जैसे जैसे कम होता जाएगा इस गेज की रीडिंग बढ़ती जाएगी। गेज के साथ ही पाइप अटैच करके अगर एक सिरा हम जमीन पर छोड़ दें और इसको लेकर सीढ़ियां चढ़ते जाएं तो प्रेशर कम होता जाएगा। चलिए सीढ़ियों के पास चलते हैं। लेट्स गो। थोड़ी और लंबी पाइप ले ले तो हम मेटल की चीजों को भी आराम से पिचका सकते हैं।
लास्ट में कैंस को पिचकाने का एक और कूल तरीका देखते हैं। कैन में थोड़ा पानी डाल लेंगे और उसको हीटर पे रख देंगे। अब जैसे ही पानी उबलने लगे और भाप ऊपर आने लगे, कैन को पकड़ कर पानी के अंदर उल्टा कर देंगे। ओहो और कैन पूरा पिचक जाएगा। शुरू में कैन के अंदर और बाहर बराबर प्रेशर है। पानी को गर्म करने पर वो स्टीम में बदल जाता है, तो कैन पूरा स्टीम से भर जाता है और उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। अब इस भाप से भरे हुए कैन को जब हम ठंडे पानी में डालते हैं तो वो स्टीम फिर से लिक्विड वाटर में बदल जाती है, जो कि बहुत कम जगह घेरता है, इसलिए कैन के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कैन पिचक जाता है। अगर कैन को सीधा पानी में डालेंगे तो भाप की जगह बाहर की हवा ले लेगी और कैन नहीं पिचकेगा। चलिए करके देखते हैं। इसलिए हम कैन को उल्टा करके पानी में डालते हैं और वो पिचक जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको खाली बोटल्स और कैंस दिखे, उनको अपने हाथों से नहीं, साइंस और एयर प्रेशर से पिचकाएं। थैंक यू। चलो अब ये लास्ट है, ये पिचकेगा नहीं लेकिन इस बार।